यहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाल हो रही है, तो सर दर्द कर रहा है तब से, क्योंकि पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है वघई का बोटानिकल गार्डन, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर कहाँ कहाँ से कितना दूर पड़ता है। तो दोस्तों हम लोगों ने सामान रख दिया है, अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, तो अंदर क्या क्या है वो देखते हैं, क्योंकि जानकियों ने तो बहुत देखा है लेकिन मैंने अभी ब्लॉग नहीं बनाया ना, उसका उसका ब्लॉग जल्दी आएगा, और जगह देख के अंदर मिलते हैं आपको। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं अंदर गार्डन में, और यहाँ पर लिखा है आई एम इन वघई बोटानिकल गार्डन, तो लेकिन आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने सिनेमेटिक्स में देखा होगा बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, और आप लोग यहाँ देख सकते हो, मतलब व्यू देखो आप लोग। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों साइड से पूरा कवर कर लेंगे, देखते हैं क्या। ओ यहाँ पर देखो, ये देखो टायर से क्रिएटिविटी की है, टायर से क्रिएटिविटी की है, और इधर मैं थोड़ा सा बोबड़ा गया। ओके तो यहाँ पर आपको मैं दो लव बर्ड्स दिखाता हूँ, मतलब बर्ड्स तो नहीं है लेकिन क्या है इसको, क्या बोलते हैं, माटला। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने वो जो क्या लिया तूने, हाइड्रिला नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मेरी सिस्टर बीएससी में बॉटनी सब्जेक्ट लिया है, तो इसको ऐसे झाड़वे बाड़े सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे बोल रही थी चलना हम थोड़ा सा मतलब इधर से खीसे में मुक लेते हैं, भर लेते हैं पर। तो अभी आगे का ब्लॉग मेरी सिस्टर कंटिन्यू करने वाली है, तो अभी दिखाएगी आपको, बिल्कुल अदिति रावल की तरह दिखाएगी आपको। अदिति रावल एक बहुत ही अच्छी ब्लॉगर है। तो दोस्तों अभी आजू बाजू में कोई नहीं है, तो अभी मैं इसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गार्डन जैसा बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर देख सकते हो आप लोग छोटे छोटे पेड़ हैं जिनको बॉन्जाई किया हुआ है, मतलब ये इतने रहते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पर झूला वूला और ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के लिए खेलने की जगह है, तो अभी हम लोग झूला झूलेंगे, तो मिलते हैं आपको आगे, और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोगों को सामान अपना लाने नहीं दिया है वहाँ पर, हम लोग मुक कर आए हैं, सॉरी रख कर आए हैं, तो वो रहे झूले आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो अभी हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, और ये फोकस बहुत ही ख़राब हो रहा है। तो गाइस आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि बुद्ध भगवान की मूर्ति जो एक मतलब रूट में से बनी हुई थी, तो आप लोग देख सकते हो ये रूट, ये वाला पेड़ है, तो ऐसे रूट में से उन लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई। रुको वायर सेटिंग कर लेने दो, तो फिलहाल अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, छोटी सी जगह है वहाँ पर, हम लोग चार लोग बैठे हुए हैं, और बारिश बहुत ही ज़्यादा, तीन लोग बैठे, हाँ सॉरी तीन लोग बैठे हैं, और
एक हाँ एक खड़ा है। तो अभी ये दोनों भाई बहन यहाँ पर जितने प्यार से बैठे हुए हैं वो इतने प्यारे नहीं हैं, वो थोड़े से हरामखोर है, इसी वजह से ये लोग नीचे देख रहे हैं। देखो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, हम कह सकते। तो ये मेरी व्लॉगिंग स्किल देखकर ये लोग थोड़े घबरा गए हैं। बराबर बोल रहा हूँ, डर गए हम डरते नहीं। ओ माय गॉड, क्या बात कर दी भाई ने। मैं डरता था अपने पप्पा से भी ना। अरे वाह क्या बात कर दी बेटे, बेटे मौज कर दी। तो अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मिलते हैं आगे। गड्डी बची है तो अभी शायद जाएगा। तो अभी एक महान व्यक्ति ने बोला है कि अभी ये ट्रेन के पीछे भागेगा, तो देखते हैं अगर कुछ अनहोनी होती है तो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर पैर स्लिप हुआ तो नाक तो पहले जाएगा, जो मुंह से पहले आता है हाँ। उसके बाद सर जाए। तो अभी खतरों के खिलाड़ी बनने वाली है मेरी सिस्टर, तो मजा आएगा। चल भाई जल्दी जल्दी जल्दी। तो ट्रेन तो आगे गई नहीं, इसकी वजह से हम लोग भी इधर से जा रहे हैं। तो ट्रेन को पास से देख लेते एक बार, और ये रही बेल जो बाद में बज रही थी। तो यहाँ पर मुझे टाइगर मिला है, टाइगर जिंदा है। छोटी सी जगह। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा है, तो ध्यान से चढ़ना पड़ेगा वरना अगर गिर गए तो गए। देख के चढ़ना भी क्या। हाँ आई वाह, तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हमको ऐसे ऐसे यहाँ पर लकड़ियाँ रखी है, उसके ऊपर पैर रख के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है एक ट्रेन का इंजन, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। तो मेरी बुआ लोग आप लोग देख सकते हो, इनको फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक है, मतलब इतनी बारिश हो रही है फिर भी वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, जीभ काट रहे हैं। जीभ मतलब जीभ को जुबान। यहाँ पर दो और मॉडल्स आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखो ऐसे पोज दे रहे हैं। तीर लग जाएगा आंटी, निकाल दिए। और इसका मोड़ा देखो आप लोग कैसा है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है, पाव दे रहा है। ओ कैरी मैन आंटी के पास है ना, क्या है उसके पास पता नहीं, उसका नाम तो नहीं पता। लेकिन अंकल की धोती थोड़ी सी खुल गई है, आप लोग देख सकते हो। इसने चड्डी नहीं पहनी। तो आंटी अभी बोल रही है कि ये जड़ को उल्टा कर देगी, तो देखते हैं। आंटी धक्का मारो। तो पोपट हो गया, इधर कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। चलो जल्दी आगे भागो भागो भागो।